फ्रेंड्स, कैसे आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी बताऊंगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑरेंज आइसक्रीम बनाना बताऊंगी। देखिए कितनी सिंपल है और कितनी यूनिक है। हमने एक गिलास पानी लिया, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स बनती है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। और देखिए मैंने आधा कटोरी पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहे तो घर की मोटी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, उसे थोड़ा घुलने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पिसी हुई चीनी ली है। और अब हम इसको अच्छे से घोलेंगे। फ्रेंड्स, बहुत इजी रेसिपी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। बस आपको बाहर की एक ही चीज़ लेनी है, वो है ऑरेंज फूड एसेंस। आप इसको देखिए, घुल गई। देखिए, मैंने ऑरेंज फूड एसेंस लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से। अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर नहीं है तो आप रसना भी इसके अंदर डाल सकते हैं। रसना से भी ये बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। और फ्लेवर के लिए हम थोड़ा इसके अंदर कुछ हटके फ्लेवर देने के लिए, वरना बिल्कुल सेम ऐसी लगती है ऑरेंज आइसक्रीम जैसे हम बाज़ार से लेकर खाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इन्हेंस इसका फ्लेवर करना है तो थोड़ा सा इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल देंगे हम, बस थोड़ा सा, इस तरह से। और देखिए, इसको अच्छे से मिला लेंगे। मैंने अपने बच्चों को बनाकर कई दफ़ा खिलाई है, मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ। अब मैं एक आइसक्रीम की स्टिक लूँगी। ये देखिए, आइसक्रीम स्टिक ले लेनी है और ये बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए, झटपट बनने वाली आइसक्रीम। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में रखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, आइसक्रीम जम चुकी है। अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए क्रीम, ये देखिए कितनी टेस्टी। ये देखिए कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है ऑरेंज आइसक्रीम। फ्रेंड्स, मेरे बताए तरीके से एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। और देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।